Very good morning to all of you. Now, today we have to start trigonometry. Trigonometry functions जो अपने को करना है स्टार्ट. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन प्रीवियस ईयर्स यू हैव सीन, यू हैव डन सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, cos, tan, these are all trigonometric functions. तो in triangle view, simple we can write in first figure, sin theta equal to opposite side divided by hypotenuse. That means opposite side क्या इन हम क्या बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा अपोजिट साइड हाइपोटेनस. ये जो साइन थीटा फंक्शन है वो पर्टिकुलर, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो नाउ वी आर गोइंग ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल. तो यूनिट सर्कल पे तो हम इसके बाद जंप लेंगे, पर नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड इन ट्रायंगल व्यू, इन ट्रायंगल व्यू अपोजिट साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपोजिट साइड ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, क्लियर. एंड कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेनस एडजेसेंट साइड कितना है बी सी डिवाइड बाय ए सी. बी सी इज द एडजेसेंट एंड ए सी इज द हाइपोटेनस. तो दीज आर टू बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक्चुअली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा. तो इफ वी नो सक्सेसफुली साइन थीटा वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा देन वी कैन फाइंड इजीली rest of trigonometric functions, value of rest of trigonometric functions. How to do that particular concept? Yeah, how to find the rest of trigonometric function using tan theta, because of tan theta equal to sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta and sec theta 1 upon cos theta and then cosec theta
equal to 1 upon sin theta. That means if you know value of sin theta and cos theta, then using this concept we can find easily value of sec theta, value of cosec theta and value of tan theta. And also value of cot theta. Cot theta 1 upon tan theta. Got it? तो ये फंक्शंस हैं जो इनके थ्रू हम बाकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. अगर हमको ये मालूम है साइन थीटा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, देन वी कैन फाइंड इजीली वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वैल्यू ऑफ सेक थीटा, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एंड वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा. सिंपली sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta, cot theta are called trigonometric functions. Theta is the angle. Theta is the angle. And AB, AC, AB and BC are sides of angle. These sides AB called as opposite of angle, opposite side, opposite of hypotenuse called opposite side, and this one is base or adjacent side. BC is the base or adjacent side. Then in unit circle view we can consider these functions with the help of unit circle. What is unit circle? ये diagram ये रहेगा. ये simple trigonometric function जो हमने यहाँ पर discuss किया with the help of triangle. Then now we have to discuss and we have to put the value sin theta, cos theta according to unit circle. What is unit circle? Unit circle, any circle having radius r equal to 1 is called unit circle. Got it? कोई भी circle है जिसका radius अगर equal to 1 है तो वो unit circle के नाम से जाना जाता है. तो यहां पर first of all, we have to draw this circle. Yeah, we can say consider a circle width of radius r, width of radius r with origin O. With center is origin, with center ओरिजिन, मतलब एक सर्कल कंसीडर करना है जिसका रेडियस आर है और जिसका सेंटर ओ है, जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. देन वी कैन से कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओरिजिन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पूरा आ जाएगा. तो हमने सपोज ये लिया है, अब नीचे लिखेंगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने एक्स ए वाई एक्स डैश एंड वाई डैश. देन ओ ए, ओ ए इज द इनिशियल रे, OA is the initial ray and OB is the terminal ray. OB is the terminal ray and theta angle between two rays. That means angle between OA and
OB. Now take the any point on ray and on the circle, on ray OB on the circle. मतलब एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है P, जो रे पर तो रहेगा, टर्मिनल रे पर, बट सर्कल पे भी वो रहेगा पॉइंट. दैट मीन्स ये क्रॉस पॉइंट P, जो ऑन द सर्कल ऑन द टर्मिनल रे, एक कंसीडर करना है विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई, विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई. दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई, P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, दैट मीन्स y component equal to y and x is the x component on x axis, y component of y axis. Got it? तो यहां पर y component, अब y component, how to get y component? If we draw the perpendicular from P to OA on OA meet on M point. That means एक perpendicular P से draw करना है जो X axis पे या OA ray पे, initial ray पे M पे जाके मिलता है, M पे जाके मिलेगा. That means P से एक perpendicular draw किया हमने जो पर्टिकुलर OA ray पे या X axis पे M से मिल रहा है जाके. M एक पॉइंट है जहां पे मिल रहा है. दैट मीन्स पी एम इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है एंड ओ एम इक्वल टू x. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट, पॉइंट P. तो यहां पर इन दिस दैट मीन्स इन ट्रेंगल OPM साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस y अपॉन r एंड cos थीटा इक्वल टू बेस और एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस. दैट मीन्स x अपॉन r, ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू r साइन थीटा एंड दिस वन रिप्रेजेंट x इक्वल टू r cos थीटा. सबसे पहले हमने ये प्रोनाउंस किया था यूनिट सर्कल दैट इज r इक्वल टू वन. देन वी कैन राइट y इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू cos थीटा. वी कैन से क्लियर है? तो साइन थीटा y इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू cos थीटा इन यूनिट सर्कल. स्क्वायर एंड एड बोथ कंसेप्ट, स्क्वायर एंड एड देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. गॉट इट? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल. दैट मीन्स r इक्वल टू वन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू वन. वन की जगह वी कैन राइट ऑल्सो r, अगर यहां से लिखें यूनिट सर्कल नहीं है तो.
तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आएगा। ये अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल हमने यहां पे डिस्क्राइब किया, किसको, साइन थीटा और कॉस थीटा को। क्या था वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा का एज पर द यूनिट सर्कल, कंसिडरेशन ऑफ यूनिट सर्कल, y इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल वी कैन डिसाइड द साइन ऑफ एनी एंगल, वी कैन डिसाइड द साइन ऑफ एनी एंगल ऑफ कॉस और साइन थीटा। मतलब किसी भी एंगल का साइन, हम अगर साइन और कॉस के फॉर्मेट में एंगल दिया है तो वी कैन डिसाइड या वी कैन एक्सप्लेन द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो वो कैसे करेंगे साइन, तो इसमें देख लीजिए हाउ टू कंसीडर साइन ऑफ एनी एंगल। अगर हमने सपोज यहां पर एक ये सर्कल बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा, और यहां पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब डिसाइड करना है इसके साइन का, कि पर्टिकुलर साइन, साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन थीटा और कॉस थीटा और मतलब एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। तो ये डिसाइड करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। सपोज अगर पॉइंट पी जिसकी वैल्यू एक्स और वाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहां पे एक्स दिया हमने तो जीरो से स्टार्ट होता है, यहां पे पाई बाई टू होता है, ये तो मालूम है आपको, यहां पे पाई होगा और ये होगा थ्री पाई बाय टू 270 एंड वापस यहां 2π, गॉट इट। तो यहां पे आप देखिएगा अगर ये एंगल, ये पॉइंट यहां पे एंगल थीटा जनरेट करता है जो बिटवीन किसके हैं 0 to π/2 के, तो आप देखिएगा x और y दोनों यहां पॉजिटिव हैं, ये x भी पॉजिटिव है और ये y भी पॉजिटिव है, मतलब यहां पे x भी पॉजिटिव रहेगा y भी पॉजिटिव रहेगा। अगर x भी पॉजिटिव है तो यहां पे x किसके इक्विवेलेंट है, cos थीटा, तो यहां cos थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और y किसके इक्वल है sin थीटा, तो sin थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। अब sin थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दैट each and every that means all trigonometric functions are positive in first quadrant, clear हुआ, कि यहां पर x भी positive है y भी positive है, क्योंकि देख लीजिए ये positive axis है और ये positive y axis है, इसमें जो भी रहेगा x और y positive रहेगा तो according to this equation y is also positive, that means sin theta is positive
एंड cos theta इज also पॉजिटिव. गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डिसाइड हुआ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. तो हम इसको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब सपोज अगर ये पॉइंट यहां से यहां पे आ गया, मान लो यहां पे ले लिया हमने P XY, ठीक है, पी एक्स वाई. अब ये पी एक्स वाई लिखेंगे हम यहां पे क्या पी एक्स वाई होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाई तो पॉजिटिव में है, वाई पॉजिटिव है पर एक्स तो निगेटिव में आ गया. तो यहां पे एक्स क्या होगा? पी ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई. दैट मीन्स एक्स निगेटिव रहेगा इस साइड में और वाई पॉजिटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में. अब यहां पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा. दैट मीन्स कॉस थीटा निगेटिव में रहेगा. गॉट इट? कॉस थीटा यहां पे माइनस कॉस थीटा रहेगा और y तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो ये तो साइन थीटा पॉजिटिव में रहेगा. अब साइन थीटा पॉजिटिव है माइनस कॉस होने के कारण यहां पे साइन और कोसेक को छोड़ के सभी निगेटिव में रहेंगे बिकॉज ऑफ कॉस इज निगेटिव. ये फंक्शन में आप इंप्लीमेंट कर लीजिए आपका कॉन्सेप्ट वही आएगा. दैट मीन्स साइन भर पॉजिटिव रहेगा यहां साइन और बाकी सभी निगेटिव रहेंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इस समझ में आया कैसे? अब मान लिया थर्ड केस कि पी पॉइंट जो है वो यहां पे एग्जिस्टेंस करता है. तो अब यहां पे आप देखिए ये भी निगेटिव आ गया, y एक्सेस भी नेगेटिव आ गया, मतलब p के क्वाड्रेंट कैसे रहेंगे? माइनस एक्स माइनस वाई. दैट मीन्स माइनस कॉस थीटा और ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस साइन थीटा, मतलब दोनों माइनस में रहेंगे. और दोनों माइनस में रहेंगे दैट मीन्स इसका जब टेन निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो टेन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा. तो यहां पे हम टेन को पॉजिटिव मानेंगे, टेन को पॉजिटिव लेंगे और बाकी सभी निगेटिव रहेगा. गॉट इट? मतलब यहाँ पे साइन और कॉस है निगेटिव तो टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे. तो हम यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं, पॉजिटिव जो फंक्शन रहेंगे उसी का नाम लिख रहे हैं. यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन है तो कोसेक भी होगा पॉजिटिव, टेन है तो कॉट भी होगा पॉजिटिव. तो हम केवल टेन ले रहे हैं, टेन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ टेन, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन वी कैन से, ठीक है. तो यहां पर ये आ गया. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेते हैं पॉइंट को, यहां पे हमने लिया पॉइंट को पी, अब यहां पे एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा और y क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि y नीचे डाउन में है और यहां पर y डैश एक्सिस में. दैट मीन्स इसका रहेगा x किसको रिप्रेजेंट करता है? cos थीटा, तो cos पॉजिटिव रहेगा और माइनस साइन थीटा, मतलब साइन पॉजिटिव नहीं निगेटिव रहेगा. गॉट इट? साइन इज निगेटिव एंड कॉस इज पॉजिटिव. दैट मीन्स सी रिप्रेजेंट सी, कॉस इज पॉजिटिव. यहां पे साइन टेन कॉस और ये ऑल फंक्शन पॉजिटिव. तो ध्यान रखिएगा
कि इस ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने साइन इसका कैसा डिसाइड होता है, साइन किस लिए बोलते हैं, जैसे इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट को ही हम जिससे रिप्रेजेंट किए हैं, किससे यूनिट सर्कल में रिप्रेजेंट किए हैं, वाई इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन इससे डिसाइड होता है। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, सिंपल अपन इसको सिंप्लीफिकेशन में भी कर सकते हैं आप, माइनस साइन माइनस एक्स और वाई की वैल्यू रखा है हमने, साइन वैसे ही ले लिया है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू कॉस थीटा और वाई की वैल्यू साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा आपको मालूम है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेदर रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हैं उनको भर हमने रिप्रेजेंट किया है, बाकी सब निगेटिव, जो नहीं है वो निगेटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल अगर हम माने तो कोसेक होगा, कोसेक को बोलते हैं, कोसेक इज ऑल्सो पॉजिटिव, कॉस और सेक इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, टेन और कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकेंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वी कैन डिसाइड द वैल्यू या साइन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आपको पहला क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रेज होता है, वो होता है सिंपल साइन बताने के लिए। तो साइन का देख लीजिए कौन सा साइन कैसे होगा, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, कि जो जनरली आया हुआ है, फाइंड द, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्वेश्चन हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, फाइंड द साइन ऑफ, फाइंड द साइन ऑफ, साइन फर्स्ट है, साइन 675 डिग्री एंड सेकेंड कॉस -8π/3 रेडियन एंड थर्ड वन cot 573 डिग्री, cot 573 डिग्री। इसके हमको साइन बताना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव है और निगेटिव। ये 1 or 2 मार्क्स के लिए जनरली आता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 675, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न भी मैं बता दे रहा हूँ, ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप पॉज करके इसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हम, सॉल्यूशन गिवन, ये पहला है हा, तो यहां पे आ जाएगा गिवन साइन 675 डिग्री, ठीक है। हम लेट थीटा इक्वल टू 675 डिग्री अज्यूम कर लिया, देन थीटा इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 315 डिग्री, वी कैन राइट 360। क्यों? क्योंकि एक बार राउंड लेने पर, मान लिया ये एक पूरा ऐसा राउंड लेता है, ये एक पूरा ऐसा राउंड लेगा, ये यहां से यहां तक, या फिर ये यहां से यहां तक, तो
एक पूरा राउंड में 360 डिग्री मेजर होता है इनका, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ 360 डिग्री मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड एंगल मेजर बाय 360 है ना, विथ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो हमने प्लस 315। अब देखिए यहां पर ये पहले तो एक राउंड हो गया इसका, यहां पे अलग से मैं बता दे रहा हूं इसमें ये देखिए ये एक है, ठीक है। अब ये एंगल में यहां से 360 डिग्री में ये एक पूरा एक हो गया, ये एक हो गया 360, मतलब ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब फिर इसके बाद कितना चलेगा, अब इसको 315 है तो 360 अगेन हम नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होगा, 3 वी कैन नॉट पुट 360 अगेन बिकॉज ऑफ 315 इज लेस देन 360, तो 360 270 वी कैन पुट प्लस 270 प्लस 270 प्लस कितना होगा यहाँ पे 60 अगर हमने दिया तो 315 45 डिग्री। तो यहाँ पे 270 प्लस 45 इक्वल टू 315। तो हमने सेकेंड राउंड में, ये पहला राउंड हुआ, फिर सेकेंड राउंड में हमने इसको फर्स्ट पाई बाय टू हो गया, ये पाई बाय टू है, दिस वन इज पाई बाय टू, दिस वन पाई, 3 पाई बाय टू एंड 0 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट में तो ये हो गया पाई और ये हो गया सेकेंड राउंड में 3270, मतलब इसको 0 90 180 एंड 270, तो ये 270 तक चला। 270 के बाद यहां पे जो चलेगा ये कहलाएगा ये 45, दैट मीन्स यहां पे आके रुका है पॉइंटर, अपना पॉइंटर आके कहां रुका, यहां पे। तो यहां पे मतलब दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आके एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्टेंस है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का इन फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो यहां पे पॉइंट एग्जिस्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज साइन 675 इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है, यहां पे नेगेटिव होता है ना, साइन नेगेटिव होता है कि नहीं, ये दिख रहा है आपको नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो हमको यही तो बताना था इसका कि व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 675 डिग्री। तो सिंपली गिवन वैल्यू, गिवन फंक्शन, वी हैव टू राइट फर्स्ट, देन लेट थीटा इक्वल टू डिग्री एंड डिकम्पोज टू डिग्री विथ 360 प्लस 360 या 270 अकॉर्डिंग टू एक्सिस वैल्यू, वैल्यू ऑफ एंगल ऑन एक्सिस, वैल्यू ऑफ एंगल ऑन एक्सिस मतलब यहाँ 0 से पाई बाय 2 फिर पाई, ठीक है, यहाँ पाई और फिर 3 पाई बाय 2। अब सेकेंड देखिए इसमें, सेकेंड क्वेश्चन, कॉस गिवन क्या है, गिवन कॉस माइनस 8 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अब इसमें आपको एक सिंपल वे बता रहा हूं, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री,
डिग्री में कर लीजिए, ज़्यादा बेटर ये इजी रहेगा करने के लिए। तो लेट थीटा इक्वल टू माइनस 8π/3 रेडियन, दैट मीन्स इसका क्या होगा माइनस 8π/3 इंटू 180π डिग्री, लिख सकते हैं ना वैसा। फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पे आएगा दिस वन माइनस साइन, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 0, तो यहां पे आ जाएगा 8 6 48, 480 डिग्री इन माइनस 480 डिग्री, ठीक है। अब माइनस 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 360, ठीक है, माइनस 360 माइनस, अब 360 में अपन इसको कर दिया तो माइनस 120, 360 माइनस 360 माइनस 120 इक्वल टू माइनस 480। अब यहां पे फिर से देखें हम थीटा, तो यहां माइनस 360 माइनस 90 माइनस 30, 360 डिग्री 90 डिग्री, बिकॉज 120 डिग्री और 360 120 डिग्री, माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वॉट इट। तो 120 को माइनस 90 माइनस 30 डिग्री में हमने वो कर दिया। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, अब हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री चल रहा है, पर ये माइनस 360 डिग्री है, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये एक पूरा राउंड लिया ये वाला, तो ये कितना हो गया माइनस 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज राउंड अप लिया, माइनस 360 डिग्री, फिर माइनस 90, तो अगेन एक फिर एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो यहाँ पे कितना हो गया ये पाई बाई टू, मतलब 90, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 30, यहाँ पे रहेगा पॉइंट आपका ये 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ तक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लेगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन, बिकॉज ऑफ माइनस साइन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, तो माइनस नेगेटिव एंगल बनते हैं, तो नेगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग टू ये अपने कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, यहां पे, यहां पे कॉस होता है माइनस, दैट इज या देयरफॉर कॉस कॉस माइनस 8π/3 इज नेगेटिव नेगेटिव, मतलब हैविंग नेगेटिव साइन, या ये कर सकते हैं हैविंग नेगेटिव साइन, हैविंग नेगेटिव साइन। तो ये आपका यहां पर ये इसका आंसर हो गया। तो किसी भी एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का साइन अगर डिसाइड करना हो तो इसके
ये है, जैसे पॉजिटिव एंगल का साइन अगर डिसाइड करना है तो ये भी लगेगा, और निगेटिव एंगल का साइन है तो इस टाइप से हम करेंगे। यहाँ पे हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया है, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ डिग्री काफ़ी इजी जाएगी आपको 360। रेडियन में भी कर सकते हैं, बट रेडियन में इनिशियली आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, मतलब थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कंपेरेटिवली दिस वन। तो ये आपका किसी भी एंगल का साइन, कोऑर्डिनेट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एज पर द एंगल वी कैन डिसाइड या वी हैव टू डिसाइड यूजिंग दिस वे। तो हम इस वे को यूज करके पर्टिकुलर एंगल का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन हम डिसाइड कर सकते हैं या उसको फाइंड कर सकते हैं, साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एनी एंगल। गॉट इट? तो यहां पे आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी।